हाय दोस्त, आज के इस वीडियो में हम आपको चार टॉपिक कवर करेंगे जिसमें से आपको बताएंगे कि जीएल में इम्पोर्टेंट टिप्स क्या क्या होता है। उस सारा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो इस वीडियो में अंत तक देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट को हम कवर करते हैं। इस जगह पे आप देख सकते होंगे कि एक नंबर पॉइंट में आपका दिया है क्रेडिट अप डाउन, ठीक है। क्रेडिट अप डाउन क्या है? तो हम जब ड्रीम 11 में टीम बनाते हैं तो उस समय आपको कोई भी खिलाड़ी हो, सभी का खिलाड़ी का क्रेडिट अप डाउन होता है। ये ड्रीम 11 का एक सच है, ठीक है। तो आपको मैं उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। अगर स्किप कीजिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं क्रेडिट अप डाउन। तो क्रेडिट अप डाउन के लिए कुछ आपको प्रूफ दिखाऊंगा और बताऊंगा कि उससे बचने का उपाय क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला देख लीजिए, इस जगह पर यहाँ पे देखिए जोस फिलिपे, जो कि आप देख सकते हैं लगातार इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, देखिए, ठीक है। अब इस जगह पे नोट कर सकते हैं आप, ये जो क्रेडिट है इनका 9.5 है, आप देख सकते हैं 9.5 है। जैसे ही इनका क्रेडिट 10 हो गया, ठीक है, वैसे ही इस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस हो गया क्या 0, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। पहले क्या था इनका कि जब इनका क्रेडिट डाउन था तो परफॉर्मेंस अच्छा किया इन्होंने, ठीक है। जब परफॉर्मेंस अच्छा किया तो उस समय उसके बाद जस्ट क्या हुआ, क्रेडिट अप हुआ, इनका परफॉर्मेंस हो गया 0। जब डाउन था इस जगह पे देख सकते हैं तो इनका परफॉर्मेंस देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, उसे जस्ट देखिए, ड्रीम टीम में नहीं थे। और आपको इसी तरह का प्रूफ दिखा देता हूँ, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब इसको देखिए, इस जगह पे देख सकते हैं क्रेडिट कितना था, 9 था। परफॉर्मेंस क्या था, बढ़िया था। उसके जस्ट बाद आप देख सकते हैं जैसे ही क्रेडिट डाउन हुआ 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि उसमें तो आपने बताया कि क्रेडिट डाउन हुआ, फ्लॉप कर गया प्लेयर, इसमें देखिए फ्लॉप कर गया। और आपको कुछ प्रूफ दिखाता हूँ, आगे देखिए। आजिए इधर देखिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेडिट क्या है, 10 है। परफॉर्मेंस क्या है, बहुत अच्छा है। जैसे ही क्रेडिट अप हुआ यहाँ परफॉर्मेंस हो गया क्या 0, इस चीज को गौर कीजिए, ठीक है। अब यहाँ आप लोग बोलिएगा कि इसमें तो क्रेडिट अप हुआ तो मतलब कि आपका परफॉर्मेंस नहीं मिला। अब इसमें और आपको दिखा देते हैं, और आप इसमें क्या कह रहे थे, क्रेडिट डाउन हुआ तो परफॉर्मेंस 0 हो गया, ये फंडा क्या, समझ में नहीं आ रहा। तो इससे बचने का उपाय आपको बता देता हूँ, ठीक है। इससे बचने के लिए आपको दो टीम क्रिएट करना होगा। जब भी आप ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग बना रहे हैं तो उसमें आपको दो टीम बनाना है। बनाने के साथ क्या करना है, एक टीम में इस खिलाड़ी को ड्रॉप कीजिएगा, ठीक है। जब इसका क्रेडिट के साथ छेड़छाड़ होगा, यानी कि कम बेसी होगा,
तो आपको दो टीम क्रिएट करना, कोई भी खिलाड़ी हो, इसी खिलाड़ी का स्पेशल नहीं बता रहा, किसी भी खिलाड़ी के साथ हो सकता है ये। जब खिलाड़ी का क्रेडिट अप डाउन हो तो आप समझ जाइए कि कुछ जहू गड़बड़ है। तो उस स्थिति में आपको क्या कीजिए, अगर इनका क्रेडिट डाउन हो गया तो दो टीम बना लेना, अगर क्रेडिट बढ़ गया तो भी आपको दो टीम बनाना, ठीक है। सिंपली फंडा आपको समझा देता हूँ, क्रेडिट अप डाउन से बचने का तरीका है ये कि अगर किसी भी खिलाड़ी का क्रेडिट अप या डाउन हो रहा है तो उससे बचाव के लिए आपको करना होगा दो टीम बनाइए, एक टीम में इनको रखिए और एक टीम में आप इनको ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। एक टीम में इनको रखिए, यहाँ पॉइंट देखते हैं, पॉइंट देख लीजिए क्या पॉइंट दिए थे। अब उसके बाद है कि आप चाहें तो दूसरे टीम में ड्रॉप कर दीजिए। सिंपल फंडा है, अगर किसी भी खिलाड़ी का क्रेडिट अप या डाउन हो रहा है तो आपको दो टीम क्रिएट करना है। दो टीम में क्या करना है कि एक टीम में इस खिलाड़ी को रखना है और एक टीम में ड्रॉप कर देना है, ठीक है। इससे आपका फायदा क्या हुआ कि अगर एक खिलाड़ी चल गया तो भी आपको टेंशन नहीं है, अगर एक खिलाड़ी नहीं चला तो भी आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि आपने एक टीम में इनको रखा है, एक टीम में नहीं रखा है। तो ये हो गया क्रेडिट अप डाउन से बचने का सॉल्यूशन। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, उसको हम कवर करते हैं। तो उसके लिए चलते हैं नोटपैड पे। तो मेरा जो पहला पॉइंट था क्रेडिट अप डाउन, ये आपका क्लियर हो चुका है। अब आज ये बेस्ट बैट्समैन, ठीक है। बैट्समैन जो है, अब ड्रीम इलेवन टीम बनाते समय आपको कौन सा बैट्समैन रखना होता है, तो सबसे पहला बात और आखिरी बात आपको बता देता हूँ कि जिस भी खिलाड़ी का रिसेंट परफॉर्मेंस खराब है, ठीक है, मान लीजिए कि विराट कोहली है और उसका एक दो मैच तीन मैच से खराब परफॉर्मेंस आ रहा है, जीएल के लिए स्पेशल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर खराब आ रहा है तो उस स्थिति में बैट्समैन तो बढ़िया है लेकिन परफॉर्मेंस खराब है, कभी भी खिलाड़ी परफॉर्मेंस कर सकता है, ठीक है। आप डाटा के हिसाब से मत चलिए क्योंकि पीछे का खिलाड़ी क्या किया उससे कोई मतलब नहीं रहता है आज के मैच का सॉरी क्योंकि जब आप भी क्रिकेट खेलते हो तो आज जब आप रन कर रहे हो तो कोई गारंटी नहीं कि आप कल रन कीजिएगा, ठीक है। तो उस तरह से आपको दिमाग लगा के टीम बनाना होता है। बैट्समैन जो होता है बढ़िया बैट्समैन, जो आप जानते हैं कि अगर ये टिक गया तो आपको अच्छा खासा पॉइंट दे के जाएगा, तो उस टाइप का बैट्समैन को अपने टीम में रखना है। तीसरा पॉइंट जो हम कवर कर रहे हैं, फ्लॉप बॉलर। फ्लॉप बॉलर का मतलब क्या हो गया, जिस भी बॉलर जिस भी टीम का हो, मान लीजिए कि आज का मैच हुआ, आज जसप्रीत बुमराह जो है पिटा दिया, मतलब कि 4 ओवर में अच्छा खासा रन पिटा दिया, एक भी विकेट नहीं मिला या फिर तुक्के से एक विकेट आ भी गया, ठीक है, तो उस बॉलर को नेक्स्ट मैच जो होने वाला है उसमें आप कप्तान या उप कप्तान आंख बंद करके बना दीजिएगा, ठीक है। उससे होगा क्या कि आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो कि उसको कप्तान बनाए होंगे, कारण ये कि पीछे का मैच जो फ्लॉप हो गया और ज्यादातर सभी लोग करते क्या है, जो बढ़िया मतलब 4-5 विकेट ले लिए या 2-3 विकेट ले लिए उसको ही कप्तान सब बनाने लगते हैं, लेकिन वहां पे क्या होगा उल्टा हो जाएगा, आप उसको कप्तान बना दीजिए जो परफॉर्मेंस नहीं किए पिछले मैच में, अगर वो 2-3 विकेट निकाल लिया तो आपका रैंक तो एकदम आसमान पर रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको बॉलर को चूज करना है, ठीक है। और इसमें चौथा पॉइंट जो आपका दिया हुआ है 40+ रन, ये क्या है, तो 40+ रन ये है कि आप किसी भी खिलाड़ी को अपने टीम में रख रहे हैं, अगर वो आज के मैच में 40+ रन किया है तो उसको आप अपने टीम से ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं, ठीक है।
ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं जो भी खिलाड़ी हो। मान लीजिए रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा इस मैच में 40 रन प्लस मार दिया T20 में, तो अगला मैच में उसको ड्रॉप करने का आप रिस्क ले सकते हैं आँख बंद करके, ठीक है, क्योंकि T20 में 40 रन मायने के रखता है। तो अगर वो आज मार दिए हैं 40 रन, तो कोई ज़रूरी नहीं कि कल भी मार देंगे। तो ये सोच के आपको अगला टीम उनको ड्रॉप करना है, ठीक है। और इस तरह से अगर आप टीम बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मेरे वीडियो ये जो है आपको अच्छा खासा समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, कमेंट का रिप्लाई मैं आपको दूंगा, और साथ ही साथ हो सके तो उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना करके आपके लिए फिर से लाऊंगा। तो ये जो ट्रिक मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये सारा ट्रिक, जितना भी ट्रिक है, ये सब हो गया, ये सब हो गया, ये सब हो गया, सभी ट्रिक एकदम प्रॉपर वर्क कर रहा है। बस आपको इसको सटीक तरीके से यूज करना है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये ट्रिक आपको 80 से 90% आपको वर्किंग है, ठीक है। आप किसी भी मैच में इस्तेमाल कर सकते हैं, करके देख लीजिए, उसके बाद आप हमको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए। तो धन्यवाद।